डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर से जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। अब यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जो जलस्तर बढ़ रहा था वो ठहर ही नहीं गया, अब कम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी, जिनको किसी प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी तत्काल रिपोर्ट तैयार करके दें और उसका मुआवजा भी उनको दिया जा सके। और जो भी संकट हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं है और अब केरोसिन हम लोग दे नहीं पाते थे, वहां केरोसिन उपलब्ध कराने का भी काम किया गया है। जो बाढ़ पीड़ित अभी सेवा केंद्रों पर रह रहे हैं, शिविरों में रह रहे हैं, जैसे ही वो घर जाएंगे उनके लिए सरकार के माध्यम से एक ज़रूरी सामानों का राशन पैकेट भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। और बलि